हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विद लव। आज मैं बादाम मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं बादाम मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया उबाल के, और ये 15-20 पीस मैंने बादाम भिगा दिया था, छील के ले लिया है। और थोड़ा सा मैं केसर लूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून चीनी लिया है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई में मैंने दूध डाल के रख दिया उबलने के लिए। तो जो हमने ये बादाम भिगा के छील लिया है, इसको एक मिक्सी जार में डाल लेती हूँ। और जो दूध उबलने के लिए रखी हूँ, इसी में से थोड़ा सा दूध लेके मैं मिक्सी जार में डाल लेती हूँ। इसका पेस्ट बनाऊँगी तो दूध से ही बना लूँगी, तो मैं पीस लेती हूँ। इधर जो हमने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो इसको मैं नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे दूध होगा उससे 2 टेबल स्पून दूध डाल दिया है। इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये जो दूध उबल रहा है, इसको साइड साइड से जो मलाई आ रहा है, इसको भी हम इस तरीके से इसी दूध में मिक्स करते रहेंगे। तो दूध हमारा उबल रहा है, इसमें जो मैं ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ली हूँ, इसको डाल देती हूँ। डिपेंड करता है, अगर केसर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डाल के इसको भी मिला लेते हैं। गैस को कम कर देती हूँ अभी के लिए। तो जो हमने ये कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालते ही दूध में मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा डाल के मतलब चलाती रहूँगी, फिर थोड़ा सा डाल दिया, फिर चला लिया। इसी तरीके से इसको हमने डाल दिया, रहेंगे थोड़ी देर ऐसे ही। थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, देखिए जैसा कि गाढ़ा हो रहा है। तो ये देखिए, पहले से ये दूध गाढ़ा हो गया है। तो अभी इसी स्टेज पे मैं ये जो 2 टेबल स्पून चीनी ली हूँ, ये चीनी मिला देती हूँ। चीनी मिला के भी चला लेते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। साइड साइड से ऐसे ही मलाई जो साइड साइड में लग रहा है, उसको इस तरीके से करेंगे तो अंदर आ जाएगा, ऐसे ही दूध में मिक्स हो जाएगा। तो इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला, इसलिए इसको चलाते ही रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए, दूध अभी हमारा गाढ़ा हो गया है। तो अभी इसी में जो हमने ये बादाम भिगा के पीस लिया है, इसको डाल देती हूँ। थोड़ा हल्का दरदरा हल्का पेस्ट बना हुआ है, इस तरीके से इसको डाल देती हूँ। इसको भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसमें जो हमने बादाम का पेस्ट बना के डाला है, उसकी वजह से एक और उबाल आ जाए, फिर हम गैस को बंद कर देते हैं। ऐसे चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। ये देखिए, दूध में हमारे उबाल आ गया है और बादाम भी हमारा पक गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा इसी पे मैं 2 मिनट ठंडा होने देती हूँ। तो ये दूध हमारा ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया है। एक कांच के बर्तन में डालूँगी तो ये फिर भी थोड़ा गर्म है, इसकी वजह से मैं एक ही चम्मच ऐसे डाल देती हूँ। इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो ज़्यादा गर्म चीज़ अगर कांच के बर्तन में डाले तो कांच का बर्तन टूट सकता है। अभी चम्मच हटा देती हूँ। अब इस दूध को ऐसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2 घंटे फ्रिज में रख के इसको एकदम ठंडा कर लिया है। तो इस देखो, ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। ये जो चम्मच है, इस चम्मच के पीछे उलट के वैसे देखेंगे तो ऐसे एक कोटिंग पड़ रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। ये 2 ग्लास हमने ले लिया है, इसी दोनों ग्लास में मैं इसको डाल लेती हूँ अपना जो ये बादाम शेक बनाई हूँ। ये देखिए, दोनों ग्लास में हमने डाल लिया है। अब इसी में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, कुछ काजू बादाम और पिस्ता है, तो इससे वो हम इसे गार्निश कर देते हैं। थोड़े से ये अनार के दाने ले लिए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालना चाहते हैं तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, मत डालिए। ये रोज के पेटल्स हैं। ये हमारा बादाम मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है।
आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।